वेलकम इन्वेस्टर्स, अनविच स्टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का डेट है 15 मार्च 2021 और आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम बात करेंगे हीरो मोटो कॉर्प के स्टॉक की और देखेंगे कि किस तरीके का प्राइस एक्शन और चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ये हीरो मोटो कॉर्प का मंथली चार्ट है और मैंने इस हाइस को कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया जो कि रिप्रेजेंट करता है मंथली डाउन ट्रेंड को। और अभी फिलहाल जो प्राइस एक्शन हमें देखने को मिल रहा है उसके चलते यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म का जो एक मंथली डाउन ट्रेंड था वो ब्रेक हो चुका है और ये डाउन ट्रेंड इस्टेब्लिश हुआ था मार्च 2017 में और जो 18 में भी कंटिन्यू रहा और उसके बाद एक नए सिरे से लोअर लो ये स्टॉक बनाते गया और इसने 2020 मार्च तक 1514 का एक लो बना चुका है। अब इस मंथली चार्ट पे अगर हमें एक मंथली सप्लाई को ड्रॉ करना है तो यहाँ पर एक मंथली सप्लाई है जो कि अभी भी होल्ड किए हुए है और इसके ऊपर हम देख पा रहे हैं लास्ट 4 to 5 मंथ का जो ट्रेडिंग सेशन रहा उसमें प्राइस ने इस सप्लाई को पेनिट्रेट तो किया लेकिन इसके ऊपर किसी भी तरह का कॉन्फिडेंट क्लोजिंग हमें नहीं देखने को मिला है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट यहाँ पर सितंबर मंथ ऑफ सितंबर में इस सप्लाई को पेनिट्रेशन हुआ, फिर एक डीपर पेनिट्रेशन हुआ मंथ ऑफ अक्टूबर में, यहाँ पर दिसंबर में भी पेनिट्रेशन हुआ। उसके बाद अगर हम देखेंगे 2021 जनवरी में बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन इस सप्लाई को हुआ लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सप्लाई है वो प्राइस को अपसाइड जो है वो क्लोजिंग देने से मना कर रहा है और प्राइस जो है वो नीचे की ओर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब चलेंगे हम इससे भी लोअर टाइम फ्रेम पे मींस वीकली चार्ट पे और वहां देखेंगे कि किस तरीके का चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर वीकली चार्ट पे मुझे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है जो वीकली ट्रेंड को रिप्रेजेंट करेगा तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके का ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा और आप देख पा रहे हैं कि इस स्टॉक का जो वीकली ट्रेंड है वो ब्रेक हो चुका है इस कैंडल के साथ में और अब ये स्टॉक एक अपने साइडवेज अप ट्रेंड में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर वीकली चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो कोई खास और स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है जहां हम इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं, इसीलिए अब हम चलेंगे इससे भी लोअर टाइम फ्रेम पे मींस डेली चार्ट पे और डेली चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो इस सप्लाई के ऊपर ऑन डेली बेसिस पे हमें क्लोजिंग तो देखने को मिला है लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि जैसे ही इसका वीकली ट्रेंड डाउन हो चुका था तो स्टॉक एक अपसाइड साइडवेज में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर डेली चार्ट पे अगर हम प्राइस एक्शन को देखेंगे और यहाँ अगर डिमांड जोन की बात करेंगे तो ऑन अ डेली चार्ट पे यहाँ एक डिमांड जोन है ऑन अ डेली बेसिस पे और जब जब भी प्राइस यहाँ आएगा तो यहाँ से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे फर्स्ट टाइम प्राइस जब यहाँ पे आया 3218 पे तो यहाँ से एक अपसाइड मूव हमें देखने को मिला लगभग 3549। उसके बाद सेकेंड टाइम जब प्राइस फिर इस डेली डिमांड जोन में आया 3200 के आसपास तब भी यहां से एक अपसाइड मूव हमें देखने को मिला 3487 के आसपास और अब देखना यह है कि ये जो डिमांड जोन है ये कब तक इस प्राइस को यहां से एक बाउंस बैक देने में कामयाब रहता है। अगर एक शॉर्ट टर्म के लिए स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ एक सप्लाई में ऑन डेली चार्ट पे आपको ड्रॉ कर देता हूं जो कि यहाँ पर वो डेली सप्लाई है और यहाँ जब भी आपको कंफर्मेशन मिले कि ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है तब आप यहाँ पर इस डेली सप्लाई में एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं जब तक कि स्टॉक का जो ट्रेंड है वो क्लियरली डाउन या अप साइड ट्रेंड क्लियर नहीं हो जाता तब तक हम इसमें एक स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। जब भी यहां पर आए इस डेली डिमांड जोन में तब हम इसे बाय कर सकते हैं और जब ये इस सप्लाई में आए तो हम इसे सेल कर सकते हैं। तो ये था हीरो मोटो कॉर्प का डिमांड सप्लाई बेस्ड टेक्निकल एनालिसिस।
ये एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।